सलाम नमस्ते आदाब के एस जे फैमिली, आज हम लेंगे थोड़ी सी माइंड ट्रेनिंग डोज। तो अपनी बुक में रखो बुक मार्क और उसे कर दो कुछ देर क्लोज। वीडियो में कोई विजुअल्स नहीं है, इसलिए आइज भी कर लो क्लोज, क्योंकि अब से कुछ मिनट हम करेंगे बस चिट चैट। अब ऐसा है, नवंबर 19 अटेम्प्ट में महीना रह गया है, जिस कारण कितने सारे दिमाग प्रेशर कुकर बन गए पर उस पर स्टीम रिलीजिंग विसल लगाना भूल गए। यानी कि जब तक एग्ज़ाम्स की दाल गल नहीं जाती, एक्स्ट्रा प्रेशर को बीच बीच में कुछ कुछ रिलीज करने का टेक्निक ही नहीं रखा। अरे बॉस, ऐसे तो दाल पूरी घुल जाएगी। दाल के अलग अलग दाने की तरह सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग कैसे रख पाओगे? अंडरस्टैंडिंग को कन्फ्यूजन का घोल बनने से कैसे रोक पाओगे? चलो आज कोशिश करते हैं पहली विसल देने की, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने की। बात करते हैं पढ़ाई में मन ना लगाने की, घंटों बैठकर भी फोकस ना कर पाने की। फोकस एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर दूसरा पहलू देखें तो छोटी सी चीज़ है। बड़ी क्यों है? बड़ी इसलिए है क्योंकि दिस इज़ द मेजर थिंग जो हमें अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। बिना फोकस के गोल अचीव ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिना फोकस के आउटपुट ही नहीं निकलेगी। पर ये छोटी चीज़ क्यों है? क्योंकि ये हमारे ही हाथ में है। इसको लेने के लिए, अचीव करने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है। पर इस फोकस को अचीव करने के लिए पहले हमें ये सोचना है कि ये फोकस क्यों नहीं बन रहा। What is it that is taking it away from us? सिंपल सी लैंग्वेज में lack of focus is equal to distraction. अब distraction क्यों है? Distraction के आप सबके लिए अलग अलग मल्टीपल कारण हो सकते हैं, पर आज के सिनारियों में देर इज सर्टेनली वन कॉमन एपिसेंटर ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। वो क्या है? वो पता हम सबको है, स्टिल लेट मी रिमाइंड यू दैट इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एप्स। इननेटली हम सबको पता है कि हम इस पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पर एडिक्शन ऐसी हो गई है कि अंदर से रिग्रेट फीलिंग करते हुए, गिल्ट फील करते हुए भी हम इसको छोड़ नहीं पाते। अभी आज की डेट में थैंक्स टू टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट स्टडी, ऑनलाइन स्टडी, इन सब का ज़माना है, तो किसी भी वे में हम इन सब चीज़ों से पूरी तरह शन आउट नहीं हो सकते, इनसे पूरी तरह दूर नहीं हो सकते। पर हाँ, हम एक मिडवे तो निकाल सकते हैं, अ मिडवे विच इज मोर फोकस ओरिएंटेड एंड लीस्ट डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड। और मिडवे ये है कि अगले डेढ़ दो महीने के लिए बिना कुछ सोचे अनइंस्टॉल एंड डिलीट ऑल द एक्स्ट्रा नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस फ्रॉम योर फोन इमिजिएटली। Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc., etc., all kinds of social media apps that are not necessary for your studies, delete them all. और इसको हमने मन पे पत्थर रख के नहीं करना है। दिल पे पत्थर तो रखा जाए ना, कि अगर आपकी ये चीज़ छूट रही है और आपके पास वापस नहीं आ सकती, या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हमें नुकसान से बचाने वाली चीज़ है। अगर ये एक एक्ट आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प कर सकता है, बहुत भारी नुकसान होने से बचा सकता है, तो वाई नॉट?
स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल आर इंजूरियस फॉर अस। ये चीज़ें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इनकी तरफ हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है कि हमें इनसे डिस्टेंस रखना है। इसलिए सामने आ भी जाए तो हम चार बार अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि नो, इसमें नहीं पढ़ना है। हमें पता है कि ये सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, एडिक्शन हो जाती है, पर ये सोशल नेटवर्किंग ऐप्स एंड वेबसाइट्स की यूजेज के लिए, क्योंकि हमें बचपन से कंडीशन नहीं किया गया, इनकी एक्सेसिव यूजेज भी खराब हो सकती है, इंजूरियस हो सकती है, एडिक्टिव हो सकती है। इसीलिए हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यूज़ करते रहते हैं। पेरेंट्स तो हमारे बड़े होने पे भी बोलते हैं कि बेटा ये सब सही नहीं है तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारी आईज़ के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए। बड़े हो गए ना, अब पेरेंट्स की सुनते नहीं है ना। बट डीप इनसाइड अस हम खुद जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। हम खुद जानते हैं कि वी हैव गॉट एडिक्टेड टू ऑल दिस। हम इसकी सिर्फ यूजेज नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक्सेसिवली यूज़ करके इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इसे अब्यूज़ कर रहे हैं। बट फोक्स, पेरेंट्स सारी उम्र हमारी उंगली पकड़ के नहीं चला सकते हैं। नाउ इज़ द टाइम अपने फ्यूचर के लिए, अपनी बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए खुद स्टैंड लेने का, स्ट्रॉन्ग विल पावर से स्टैंड लेने का। टेम्पररीली ऑल द एक्स्ट्रा ऐप्स फोन से डिलीट करने का, और मन पे पत्थर रख के नहीं, क्योंकि ये हम अपने लिए कर रहे हैं। YouTube पे लेक्चर्स देखने हैं, YouTube ऐप रखो। टेलीग्राम पे क्वेरीज पूछनी है, वो ऐप रखो, और जो पढ़ाई के लिए चाहिए वो रखो। बट विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड फर्म माइंड दैट आई विल नॉट स्विच टू एनी अदर थिंग ऑन दोज ऐप्स दैट कैन डिस्ट्रैक्ट मी, जो मेरा इम्पॉर्टेंट टाइम खराब कर सकती है। डेढ़ दो महीने हम दुनिया का कुछ नहीं पता लगा पाते, ना पता लगे यार, दुनिया कौन सा रोज हमें यहाँ देखती पूछती फिरती रहती है। मोर देन रिक्वायर्ड सोशल इंटरेक्शंस में इस टाइम पे रहोगे ना, तो सारी ये सोसाइटी तुम्हें तुम्हारा प्रेशर कुकर को एक्सपेक्टेशन से और प्रेशराइज कर देगी। तो ये तुम्हारे हाथ में है कि आज की डेट में पुट द विसल राइट नाउ एंड रिलीज सम एक्स्ट्रा प्रेशर। अब ये एक सिंपल सा काम करने के चार फायदे हैं, वो क्या हैं? पहला, हम सोसाइटी की अनड्यू एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर से अपने आप को दूर रख रहे हैं, तो प्रेशर थोड़ा कम हो गया। नंबर टू, हम अपनी पढ़ाई पे कंपैरेटिवली ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पर सोसाइटल प्रेशर का टेंशन नहीं है, तो प्रेशर थोड़ा और रिलीज हो गया क्योंकि फोकस बढ़ गया। हम अपनी आईज़ को स्क्रीन टाइम कम करके पहले से बहुत कम एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जो हम स्क्रीन से एमिट होने वाली ब्लू रेस को अपनी आईज़ एक्सपोज करके अदरवाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। हम अपने वर्किंग आवर्स में पर्टिकुलरली कुछ स्पैन टाइम में अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली लेस स्क्रीन यूजेज करके और अपने माइंड को कम स्टिमुलेशंस देके माइंड की पावर और एनर्जी को सेव कर रहे हैं। वो बैटरी सेवर मोड होता है ना फोन में, बस वही हम माइंड पे लगा रहे हैं। इन दिस मैनर माइंड की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, माइंड की पर डे एनर्जी को मोर प्रोडक्टिव वर्किंग के लिए कंजर्व कर रहे हैं। लेस स्टिमुलेशंस इज इक्वल टू लेस डिस्ट्रैक्शंस, लेस डिस्ट्रैक्शंस इज इक्वल टू मोर फोकस। ये सब पता हम सबको है,
पर हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारी एडिक्शंस पता होती चीज को भी इम्पोर्टेंस देने के लिए हमें हैंडीकैप बना देती है। ऐसे टाइम पे सामने से आके किसी को उस चीज को पुश देना पड़ता है। बहुत बार ईगो भी हर्ट हो जाती है कि ये चीज मुझे पता है, मेरी अंदर के गिल्ट को छेड़कर मेरे दर्द पे नमक क्यों छिड़का जा रहा है। पर ये ईगो हर्ट हो जाए चाहे, अंदर बात कहीं ना कहीं चली जाती है। सबकॉन्शियस में हम उसको सोचते जरूर हैं। इट इज जस्ट दैट एट सम पॉइंट इन लाइफ इट इज रिक्वायर्ड कि कोई ना कोई इंटरवीन करके हमारी रैशनैलिटी को एक नया बेंड दे, हमारी रैशनैलिटी के बटन को रीस्टार्ट करे। यहाँ पे मैंने सिर्फ रीस्टार्ट के लिए बटन पुश करना है, आगे प्रोसेसर तो आप लोगों को ही चलाना है। तो ये था फोकस को बढ़ाने का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। फॉर द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू इंक्रीज योर फोकस, केएसजे टीचिंग विल सून शेयर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक विल पावर को पहले गियर में डालो और प्रेशर कुकर की सीटी बजा डालो। ऑल योर फ्रेंड्स हु आर सर्चिंग फॉर देयर फोकस, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद देम एंड गिव देम द फर्स्ट विसल टू देयर प्रेशर कुकर। बिफोर वी से अलविदा टू दिस फर्स्ट माइंड ट्रेनिंग सेशन, लेट अस एक्सपीरियंस अ मिनी माइंड बूस्टिंग सेशन। आज दे ही दे तू मौका अपनी क्षमता को, आज दे ही दे तू मौका अपनी क्षमता को, वो मनोबल की चिंगारी अपनी जरूरी लक्ष्य को। हाँ तुझ में ही है संकल्प शक्ति, हाँ तुझी में है वो इच्छा शक्ति, हाँ तुझी में है वो शिक्षा भक्ति। आज तू बुरी लत से एक कदम पीछे हटाएगा, आज तू बुरी लत से एक कदम पीछे हटाएगा, कल मंजिल की ओर दुगनी रफ्तार से भागता ही चला जाएगा। ओनली टिल द नेक्स्ट वीडियो, अलविदा के एस जे फैमिली, गुड बाय एंड गुड लक।